इंग्लिश में होता है सिविल का कोर्स? आर्किटेक्चर भी इंग्लिश में, ये बहुत अच्छी चीज है। नाइस, बड़े कम कोर्स हैं जो आपको इंग्लिश में मिलते हैं जर्मनी में आर्किटेक्चर वाइज। अच्छा, पहले तो आपने बताया कि HIS पढ़ रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट वगैरह क्या थे, किस तरह किसी ने आना हो तो कैसे आएगा? तो ये है कि 2.9, 3, 2.8 वाले भी उनको एडमिशन मिल जाए। इसलिए मैंने ये सिटी चूज़ किया क्योंकि ये सिटी बड़ा था, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास जॉब की ज़्यादा होंगी। अब अगर और जॉब की बात करेंगे, कौन कौन सी जॉब आपको अवेलेबल है, ये एक बंदा अगर मजदूरी कर रहा है और एक बंदा अगर वाइट कॉलर जॉब कर रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप एक तो आपको रूम मुश्किल से मिलेंगे और आपको मिलेंगे भी तो महंगे मिलेंगे। S1 nach Oberroden. Nächster Halt, Farbwerke. Assalamualaikum, welcome to another MR University Tour Series. और आज हम जिस यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे हैं, मेरी बड़े करीबी यूनिवर्सिटी है क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट इतनी बार आ चुका हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत चक्कर लगते हैं मेरे फ्रैंकफर्ट। हैरत की बात है कि कभी मैं यूनिवर्सिटी कवर नहीं की मैंने। हमारे जूनियर हैं आके उन्होंने भी ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है, तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार नए जो लोग आ रहे हैं इस टाइप के चैनल इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप एजुकेशनल वीडियोस बनाएं या ट्रैवल ब्लॉग्स बनाएं, तो अच्छी बात है। कल मुलाकात हुई थी, आज दोबारा मैंने कहा चलो फ्रैंकफर्ट में पढ़ रहे हो तो हमें थोड़ा फ्रैंकफर्ट सिटी के बारे में भी बताओ, पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन होता है, सिटी कैसे है, ओवरऑल वाइब कैसी है सिटी की और यूनिवर्सिटी कैसी है। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, आप मौसम को देख सक रहे हैं, ये चेक करें, नज़र आ रहा है आपको गीला गीला सारा कुछ हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है। मेरा प्लान था कि यार जो मिस कराते हैं मूवी देखते हैं बैठ के, फिर लाइक अब कमिटमेंट की हुई, अब जाना पड़ेगा। तो खैर अब जा रहे हैं, लेट्स सी पहुंच के देखते हैं कैसा रहता है। चाहिए हेलो जी, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में फ्रैंकफर्ट के स्टूडेंट सेब भाई सेब, थोड़ा सा तारुफ करा दो चलते चलते करते। मेरा नाम है हसीब और मैं यहाँ पर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स में, और ताल्लुक मेरा कराची से है और इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ जैसे कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर। तो बस हसीब भी व्लॉगिंग स्टार्ट किया, हसीब में कितना टाइम हुआ? मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए, तो कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं जैसे टाइम मिलता है स्टडीज से और जॉब से। हाँ। तो उसमें ये करता हूँ कि थोड़ी बहुत वीडियो बना करके मैं भी यूट्यूब वगैरह। अच्छा यार, फॉलो करो हसीब भाई के, थोड़ी मोटिवेशन बढ़ाओ उनकी भी। ये जिस एरिया से गुजर रहे हैं मेन बिल्डिंग है मेरा ख्याल है ये वाली, इसमें 4-5 बिल्डिंग्स ही हैं टोटल यूनिवर्सिटी में। थोड़ा सा मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ यूनिवर्सिटी का, हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, होकशुले अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं मेरा ख्याल है। हाँ, वो कोर्सेज के हवाले से भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें कि एरिया वाइज जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लें तो काफ़ी, जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फैली होती हैं ना एरिया पर, ये मेरी यूनिवर्सिटी खासकर जो है ये छोटे से एरिया पर है, तरह के अच्छे कोर्सेज हैं कि फिर आवाम यहाँ पर भी आती है कोर्स करने। इन दो के अलावा कोई है? एक तो ये हो गया मेन बिल्डिंग वाला हमने देखा है, वो क्या? एक ये मेन बिल्डिंग हो गई है। हाँ। एक इस तरफ है, हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में आप आओगे ना तो मेन एंट्रेंस यही है, ठीक है, तो यहाँ से आपने इंटर होना है। आपके दोनों साइड पे बिल्डिंग्स होंगी और एक मेंज़ा कैफेटेरिया वगैरह, खाने वाने सही मिलते हैं? खाने वगैरह कभी ट्राई नहीं किए ज़्यादा। ये हमारी मेन बिल्डिंग है जिसमें हम अंदर भी जा सकते हैं। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज हैं IT और HIS वो होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे सिविल के कोर्सेज हैं। इंग्लिश में होता है सिविल का कोर्स? आर्किटेक्चर भी इंग्लिश में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नाइस, बड़े कम कोर्स हैं जो आपको इंग्लिश में मिलते हैं जर्मनी में आर्किटेक्चर वाइज। बिल्कुल, हमारे जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे होती हैं, डिफरेंट है, आई मीन वे अवेलेबिलिटी होती है कि किस तरह हमारे रूम की अवेलेबिलिटी होती है, तो उस तरह से हमारी क्लासेस शिफ्ट हो जाती है। और ये मॉडल्स बनाए हैं लोगों ने? अभी तो ये एग्जीबिशन ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स इन्होंने बना कर यहाँ पर रखे हुए थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं इस तरह, तो वो बना करके फिर रखते हैं।
अच्छा, पहले तो आपने बताया कि HIS पढ़ रहे हो ना, क्या रिक्वायरमेंट वगैरह क्या थे, किस तरह किसी ने आना हो तो कैसे आएगा? HIS का सीन ये, डॉट डॉट डी पर मैंने यूनिवर्सिटी देखी थी, मैं बेसिकली जो टारगेट कर रहा था ना वो डेटा साइंस के कोर्सेज को टारगेट कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो पाकिस्तान से आना चाह रहे होते हैं ना, अब आजकल क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा है डेटा साइंस का, तो हर बंदा वो चाह रहा होता है कि डेटा साइंस डिग्री के साथ नाम लगाओ डेटा साइंस का। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं जो डिग्री करूँ ना उसके नाम के साथ डेटा साइंस लगाओ, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस वेब एंड डेटा साइंस, उससे मुझे एडमिशन मिल गया, और एक यहाँ पे HIS से एडमिशन मिल गया। पहले मैं बताता हूँ मैंने ढूंढी कैसे, ऑब्वियसली डॉट डॉट डी पे मैंने देखी थी कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी, तो ये भी मिल गई। अब इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है, हार्ड एंड फास्ट रूल उन्होंने नहीं लिखा हुआ कोई कि इतनी सी GPA चाहिए या ये, लेकिन नॉर्मली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे पता चला है कि एक बंदा आइडिया लगा लेते हैं ना कि इतने GPA वाले बंदे आ रहे हैं, तो ये है कि 2.9 3 2.8 वाले भी उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ये होता है कि एडमिशन क्राइटेरिया हर साल ना चेंज करता रहता है, बिल्कुल कई दफ़ा होता है कि 3+ वालों को भी नहीं मिल रहा होता, कई दफ़ा होता है कि 3+ वालों को भी मिल जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस टाइप की एप्लीकेशन आ रही है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल है एवेल्यूएट करके देते हैं। बिल्कुल, ये हर सेमेस्टर का हर सेमेस्टर का थोड़ा डिफरेंट हो, ये ना कहना हमारा 2.9 था इधर अप्लाई किया तो एडमिशन नहीं हुआ, हमने तो बताया था कि एडमिशन हो जाता है, और भी बहुत फैक्टर हैं, काफ़ी हो जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है, और बड़ी चीज़ें होती हैं। खैर, ये तो होगी बात की एडमिशन क्राइटेरिया, दूसरा ये कि क्या सोच के HIS में, यही डेटा का नाम लग गया था रीज़न, ये इंपॉर्टेंट बात यही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे कॉलेज में हो गया था बताया मैंने वेब एंड डेटा साइंस में, और एक यहाँ पर हो गया था HIS, इसके नाम के साथ इवन दो की डेटा नहीं भी है, लेकिन मुझे किसी ने समझाया, किसी जो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अर्से रहा था, उसने बोला था कि यार शहर पे ज़्यादा जाओ, सिटी देखो कि किस सिटी में जा रहे हो, डिग्री के नाम पर ज़्यादा नहीं जाओ। अब कॉबलेंस सिटी जो है ऑब्वियसली अच्छा सिटी है, लेकिन अगर आपके पास दो सिटीज़ों के कंपेयर करने के लिए तो ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट एक बड़ा सिटी है, तो आप फ्रैंकफर्ट बड़े सिटी में आओ, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें हम डेटा के सारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं जो कि आप वेब एंड डेटा साइंस में पढ़ोगे, ऑब्वियसली एक आध कोर्स उनका ज़्यादा होगा कोई, लेकिन हम यहाँ पर डेटा माइनिंग भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर AI भी है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, सारे कोर्सेज वही हैं तकरीबन, घूम घुमा के कंप्यूटर साइंस की जितनी डिग्रीज होती हैं सब में तकरीबन सेम ही कोर्सेज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सिटी चूज़ किया क्योंकि ये सिटी बड़ा था, ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास जॉब की ज़्यादा होंगी, कॉबलेंस में ये है कि थोड़ा बहुत आपको जॉब के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मिल तो जाती है लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं प्रेफर हर किसी को ये करता हूँ कि आप किसी बड़े सिटी में। ये सामने हमारा मेंस है बिल्डिंग के अंदर ही, कैफेटेरिया वगैरह, लेकिन अभी जिस वक्त हम आए हैं ऑब्वियसली वो क्लोज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा शाम के वक्त आए हैं, तो अंदर से दिखा देते हैं आपको, क्लोज़ करते हुए दिखा देते हैं, दिखाएंगे बस ये मेन डेस्क ही दिखा दें आप, बड़ा पार्टी मॉल बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटी काफ़ी लाइवली है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और इंटरनेशनल्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है। पार्ट टाइम जॉब्स का हम जिक्र करते हैं, लोग किस तरह की जॉब्स करते हैं, मतलब अपनी फील्ड रेलिवेंट करते हैं, लिफ्रांडो पे काफ़ी लोगों को देखा है कि पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो किस तरह की जॉब्स आपको लगता है स्टूडेंट्स करते हैं फ्रैंकफर्ट आके? जैसे आपने बताया कि दो टाइप की जॉब कर सकते हैं आप, या तो ऑड जॉब्स होगी या फिर आपके फील्ड की जॉब होगी। अब ऑड जॉब जब मैं आया था शुरू में, कोई भी आएगा शुरू में तो हो सकता है कि फील्ड की जॉब फ़ौरन ना मिले, कुछ अर्से आपको ऑड जॉब करनी पड़े, मैंने भी की, मैंने शुरू में एक वेयर हाउस में काम किया था एक महीने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने लिफ्रेंडो में काम किया था, 15 दिन ही किए होंगे, तो साथ साथ मैं अप्लाई करता जा रहा था तो मुझे फील्ड की जॉब मिल गई थी इतने में ही। अब अगर और जॉब की बात करें कि कौन कौन सी जॉब आपको अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, वेयर हाउसेज हैं डिफरेंट बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो फेमस है यहाँ पे वो अमेज़ॉन है, जहाँ पे लड़के ज़्यादा काम करते हैं, पे थोड़ा बेहतर करते हैं, उसके अलावा बाकी भी वेयर हाउसेज हैं वहाँ जाके काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिफ्रेंडो फूड डिलीवरी बहुत है, लिफ्रेंडो गोरिल्ला और जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और कितना आप कमा कितना लेते हैं उन जॉब्स? उसका सीन ये है और जॉब्स का कि अब मिनिमम वेज जैसे 12 यूरो के करीब हो गई है, बढ़ा दिए, हम थे जब आए थे एक साल पहले 9.5 यूरो थी, तो अब आप 12 यूरो के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो 80 घंटे आप काम कर सकते हैं महीने के आराम से, 1000-1000+ तक आराम हो जाती है, 1000-1000+ आराम से हो जाता है हर बंदा कर रहा है। और अगर अपनी फील्ड वाली करोगे तो उसमें भी 1000-1500 तक आपको मिल जाता है। हाँ जी, फील्ड की जॉब भी आप करेंगे तो अच्छा, यहाँ पर ना एक जर्मनी में मुझे अच्छी बात लगती है, खैर बाकी मुल्कों में भी होगी लेकिन जर्मनी में ये कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि एक अगर कोई मजदूरी कर रहा है, हम उसको मजदूरी कहते हैं ना कि और जॉब्स को, कि एक बंदा अगर मजदूरी कर रहा है और एक बंदा अगर वाइट कॉलर जॉब कर रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि जैसे पाकिस्तान में अगर कोई मजदूरी करता है वो दिन का 1500 कमा रहा है लेट्स सपोज, और एक बंदा डेटा इंजीनियर है या कोई भी डेवलपर है तो वो उससे तकरीबन डबल कमा रहा होगा, तो यहाँ पर डबल का सीन नहीं है। अगर आप और जॉब में 12 यूरो कमाओगे तो आप उसके अलावा अपनी फील्ड की जॉब में आप 15-16 यूरो कमा सकते हो, 17 यूरो कमा सकते हो, डिपेंड करता है। मकसद ये कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए,
कि अच्छा अगर नहीं मिल रहा अपनी फील्ड वाली तो ये कर लो, क्यों खर्चे तो चलाने हैं, बट एट द सेम टाइम फील्ड की जॉब को ढूंढने का मेन फोकस रखो, क्योंकि आपका मेन गोल सारी उम्र पार्ट टाइम जॉब्स करने का नहीं है, आपका मेन गोल है डिग्री के बाद जॉब लेने का, और उसके लिए आपको ये अपनी फील्ड रेलिवेंट, मेरे ख्याल इंटर्नशिप्स वगैरह ये जो वर्क स्टूडेंट की जॉब होती हैं ये आपको करनी चाहिए। अच्छा, जॉब मिल कैसे सकती है, ये एक अच्छा सवाल होता है काफ़ी लोगों के, ये और जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, उसके लिए ये है कि आप अमेज़ॉन के जो दरअसल इनके कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं अमेज़ॉन के, एक एडिको है और एक इस तरह की एक दो और कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, उनको डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, आप उनके ऑफिस में भी डायरेक्ट जा सकते हो, से उनके कह सकते हो कि मुझे जॉब करनी है, तो जैसे ही उनके पास कोई वैकेंसी आती है, फ्रैंकफर्ट में मैसेज बड़े लगते हैं, तो आप मैसेज की जॉब्स भी करते हैं, लोग सिक्योरिटी की जॉब होती हैं वो भी करते हैं, आई थिंक ये वाली जॉब्स भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, ये काफ़ी कॉमन है। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे जानने वाले हैं तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं है कि जिसको 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए हों और वो बेरोज़गार बैठा हो या उसके कोई जॉब नहीं हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स मिल जाती, जॉब्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी, और जॉब तो ज़रूर ही मिल जाएंगी, अनलेस कि अब आप करना ना चाहें तो वो एक अलग बात है, बहुत ज़्यादा बात होती है। हाँ, ठीक है, डिस्कस कर लिए फ्रैंकफर्ट के काफ़ी फ़ायदे, क्या लगता है कि कोई नुकसान है यहाँ पे रहने का? तो मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि मैं कह सकूँ कि यार ये नुकसान, डिसएडवांटेज सिटी का ही आपको नहीं लग रहा? कॉबलेंस में भी रहा हूँ और यहाँ पर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ में तो मैं नहीं रहा, दो ही सिटीज़ में रहा हूँ, उसके मैं उसी सिटी से सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे तो ये बेहतर भी लगता है और मुझे कोई डिसएडवांटेज ऐसा कोई खास दिखता नहीं। ठीक है, एक जो मुझे लगता है ना डिसएडवांटेज जो मुझे फील होता है हर बड़ी सिटी में आपको मिलेगा, वो है घर इनिशियल ढूंढना, वो बड़ा मसला होता है, तो आई थिंक आपको तो मिल गया था, इन्होंने मुझे बताया था बड़े लकी रहे थे, कितने का मिला था, क्या मिला था, और जो लोग आते हैं जो अब आपको लगता है जहाँ पर आते हैं उन्हें मसले होते होंगे तो वो किस टाइप के होते हैं? अकोमोडेशन के हिसाब से आपने बिल्कुल कहा, डिसएडवांटेज इसलिए है, एक तो आपको रूम मुश्किल से मिलेंगे और आपको मिलेंगे भी तो महंगे मिलेंगे, अगर छोटे सिटी में आपको 300 यूरो का मिलता है तो यहाँ पे आपको 500 यूरो का मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है अकोमोडेशन का, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टूडेंट डॉर्म्स वगैरह होते हैं वो लिमिटेड हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो स्टूडेंट डॉर्म्स की बुकिंग जो है तकरीबन 1 साल पहले से ही होती है, तो अगर तो आपको एडमिशन मिलता है तो सबसे पहले आप काम ये करें, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप सारे स्टूडेंट डॉर्म्स जो हैं, स्टूडेंट एंड वर्क हो गया, FDH, ADH, इस तरह के काफ़ी हैं, आप सर्च करेंगे, अब उस पर जाके अप्लाई करेंगे फ़ौरन एडमिशन लेटर के बाद, ताकि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आए और कम से कम फिर आपको एक चांस हो कि आपको मिल सके रूम। ये अपार्टमेंट जो मिला स्टूडेंट एंड वर्क की तरफ से मुझे डॉर्म मिल गया, लकीली जो लोग पेंडेमिक में आए ना उनका एक फ़ायदा ये हो गया, क्योंकि जो बाकी इंटरनेशनल्स थे ना पाकिस्तान इंडिया के अलावा, तो वो आना तकरीबन रुक गए थे, तो उनके पास रूम्स खाली थे, तो मुझे फ़ौरन ही रूम मिल गया था, और मैं अभी जो दे रहा हूँ करंटली वो 240 यूरो दे रहा हूँ, 245 के लिहाज से ऑलमोस्ट आप समझे फ्री रह रहे हैं। हाँ, तकरीबन कह सकते हैं कि मैं फ्री में। उसके दो रीज़न थे मेरा ख्याल है, एक तो इंटरनेशनल नहीं आ रहे थे और जो यहाँ के नेशनल्स भी हैं वो भी अपने घर घर चले गए थे जी। तो आई थिंक ये दो बड़ा एडवांटेज हुआ था, खैर कोरोना के में बड़े कम एडवांटेज हुए हैं, लेकिन ये उनमें से एक था। ये फ्रैंकफर्ट का टूर था, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, HIS में क्या हो रहा है, स्कोप क्या है इसका, फील्ड का, डिग्री का, वो वीडियो देखनी है तो आप फॉलो करते रहें, चलो वो भी देखेंगे, बाकी कैंपस टूर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ जाके कैंपस टूर भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हसीब भाई, और हसीब भाई को लाजमी फॉलो कीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मैंने देखा था कल आपका थोड़ा सा, थैंक यू सो मच, साउंड क्वालिटी मेरे से बेहतर है मुनीब भाई का, खैर लेवल अलग है वो तो है, लेकिन थैंक यू सो मच मुनीब भाई ने बुलाया, यही बड़ी बात है, इनसे मुलाकात भी हो गई, और बाकी ये है कि अगर आप जर्मनी में वाकई आना चाह रहे हैं और आपको प्रोसेस जारी है तो मुनीब भाई की बहुत सी प्लेलिस्ट है, मेरी तो गिनी चुनी वीडियोज़ होंगी लेकिन मुनीब भाई की प्लेलिस्ट बहुत पुरानी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप दोनों चैनल्स पर देखेंगे तो आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।